सर्वऋतुः कार्तिक मासे सुहे कृष्णे पक्षे कृष्णे मेघादश्याम सुकृतो वास्त्रां प्रदत्ते शुक्रवासरेषु मगानां नक्षत्रे अपना नाम मम एवं समये श्री नरेन्द्र दाम नरेन्द्र दामोदर दास मोदी महाभागा भारतस्य प्रधानमंत्री प्रधान सेवकस्य भुवैकुंठ हिमालयस्य यात्रा कृष्यमानं महामृत्युंजय केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग सन्निधौ अमृतकाल वेलायां प्रातःकाल वेलायां यथा लब्धोपचारेण ज्ञानेन सर्वेषां राष्ट्रीय जनानां सुख समृद्धि हेतवे विश्व शांति हेतवे भारतवर्षोन्नति हेतवे भारत अभ्युदय प्राप्ति हेतवे कर्कश्यमानं यशा कीर्ति लाभ प्राप्ति हेतवे आयु आरोग्य हेतवे भुवैकुंठ श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग पूजनम दर्शनम अर्चनम अभिषेकम च वयम् कर्मम च करिष्ये ओम जय जाग्रत दूरमुदय चैतवं तद सप्त सदधैवेति दूरंगमं ज्योति घां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ठीक है, तो देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं गर्भगृह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि पूजा अर्चना कर रहे हैं, जो पुरोहित हैं जो पुजारी हैं वो पूजा अर्चना करवा रहे हैं। नवल किशोर जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा जो इस वक्त मंत्रोच्चार हो रहा है, जो पूजा पद्धति इस वक्त हम दिखा रहे हैं, जरा इस पर आप प्रकाश डालिए। जो मंत्रोच्चार हो रहा है इसका आप मतलब ही समझाइए दर्शकों को। मैं सुन नहीं पाया, क्या कह रहे हैं? नवल किशोर जी, जो इस वक्त पूजा अर्चना हो रही है, जो मंत्रोच्चार हो रहा है, इसके बारे में आप दर्शकों को बताइए। हाँ, देखिए अभी भगवान केदार का वहां पंचोच्चार पूजन होगा, उसके बाद अभिषेक होगा, अभिषेक के बाद फिर उत्तर पूजा होगी और आरती होगी। आप सब जानते हैं हमारे यहाँ मानस में कहा गया है, जे गंगा जल आन चढ़ावें सोनर सहज मुक्त को पावें, बिनचल विश्वनाथ पद नेहू राम भक्त कर लक्ष्मी। कार्तिक का मास है और एकादशी तिथि है। एकादशी तिथि में कार्तिक मास में वैसे तो कभी भी भगवान का अभिषेक किया जाए, पूजन किया जाए, वो दरिद्रता हरते हैं, दुख हरण करते हैं, परंतु कार्तिक मास में तो हम वही नहीं, जो दूर से दर्शन करने हैं उनकी भी दरिद्रता समाप्त होगी, उनका भी दुख समाप्त होगा। और अभिषेक की जब जलधारा, कोई व्यक्ति कोई श्रद्धालु जब जलधारा चढ़ाता है तो उसकी धारा बदल जाती है, उसके जीवन की दिव्यता से परिपूर्ण हो जाता है, उसके जीवन के संकट समाप्त हो जाते हैं। ऐसा अभी पंचम अध्याय का लघु जो रुद्राभिषेक है वो होगा, उसमें 10-15 मिनट 20 मिनट का समय लगेगा, पहले पूजन किया जाएगा। हमारे यहाँ पूजन से पहले पंचगव्य से भगवान शिव को दूध दही घृत इन इत्यादि के स्नान कराया जाएगा, शुद्ध जल से स्नान कराया जाएगा और रुद्री के मंत्रों के उच्चारण के साथ आज भगवान केदार का आदरणीय प्रधानमंत्री जी अभिषेक करेंगे। और रुद्री के मंत्र जब कान में पड़ते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि अवरुद्धता समाप्त होती है। रुद्री के मंत्र सुनने से अवरुद्धता माने कोई संकट है, कोई पीड़ा है, कोई परेशानी है, कोई रोग है, ऐसा जलधारा गिराते गिराते रुद्री के मंत्रों का उच्चारण होता है तो जीवन में निष्कंठता आती है। और मुझे लगता है प्रधानमंत्री पूरे देश का नेतृत्व कर रहे हैं। अभी आचार्य जी ने वहां कहा था, वो जब संकल्प करते हैं तो अपने लिए नहीं करते, वो कहते मेरा भारत समृद्धशाली हो, मेरा भारत ऐश्वर्यवान हो। बिल्कुल, बड़ी बात आपने बताई है नवल किशोर जी। द्विवेदी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये तस्वीरें देखिए लाइव आपको दिखा रहे हैं, केदारनाथ धाम में बाबा केदारनाथ की पूजा कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और जो वेशभूषा जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, ये पारंपरिक वेशभूषा हिमाचल प्रदेश के चंबा में भी हाल ही में प्रधानमंत्री गए थे और वहां पर एक महिला ने ये जो वेशभूषा है, ये जो ड्रेस आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री की, ये तैयार की थी, वहाँ का ये स्थानीय वेशभूषा है। और प्रधानमंत्री ने उस महिला से वादा किया था कि जब भी वो किसी ठंडी जगह पर जाएंगे तो इसे ज़रूर पहनेंगे। आज प्रधानमंत्री ने अपना ये वादा पूरा किया है और इसी वेशभूषा के साथ आज बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। द्विवेदी जी, हम देख पा रहे हैं इस वक्त जलाभिषेक कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा केदारनाथ धाम से, ये लाइव तस्वीरें हमारे सामने हैं। आपने इससे पहले बताया हर ज्योतिर्लिंग का अपना अपना महत्व है, बाबा केदारनाथ की बात करें यहाँ का क्या महत्व है ये जरा दर्शकों को समझाइए, साथ ही इस वक्त जो पूजा अर्चना चल रही है, जो मंत्रोच्चार हो रहा है उसके बारे में भी बताइए। देखिए, ज्योतिर्लिंग में भगवान केदारेश्वर प्रकृति के
देवता है, प्रकृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। यद्यपि शिव तो सारे संसार के अधिष्ठाता है, सारे संसार के मालिक है, आदि देव है, लेकिन जो द्वादश संख्या बना है केदार जी, भगवान केदारेश्वर, क्योंकि हमारे यहाँ प्रकृति में इस विश्व में बहुत बड़ा उथल पुथल हुआ था कोरोना वगैरह को लेकर, इस लंबा पीरियड काल ने ग्रसित कर लिया था। इस काल की इसकी मुक्ति के लिए भगवान केदारेश्वर के यहाँ जलाभिषेक का बड़ा भारी महत्व है। नमः संभवा यजमयो भवा यजमः शंकरा यजमयश्चरा यजमः, भगवान शंकर के जलधारा से इस प्रकार की जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो सारी आपदाओं को कंट्रोल करने के लिए प्रकृति के जो देव है, प्रकृति के जो अधिष्ठाता है, वो ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान केदारेश्वर विराजमान है।